अस्सलाम वालेकुम। हिस लेवल सी की मैथ आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज की जो हमारी डायरी है वो है पेज नंबर 34 एंड पेज नंबर 35। पेज नंबर 34 पे हमारे पास जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन एंड डिवीजन। फ्रैक्शन और डिवीजन आपस में क्या हैं, क्या रिलेशन है इनका, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, अब हम देखते हैं। बेसिकली जो हमारे पास फ्रैक्शन नाम है वो है ही डिवीजन, यानी फ्रैक्शन जो है वो डिवीजन है आपके पास। फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है डिवाइजर, और जो हमारे पास नोमिनेटर होता है वो है डिविडेंड। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है। ठीक है, हमने देखा एग्जांपल में कि लिखा हुआ है 17 डिवाइडेड बाय 3। 3 डिवाइजर है, 17 डिविडेंड है। हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास आया 5। क्वेश्चन में रिमाइंडर हमारे पास बचे 2। अब ये इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है मिक्स्ड नंबर। आंसर जो आपने देना है वो आपने देना है मिक्स्ड नंबर में। तो मिक्स्ड नंबर क्या होते हैं? अब आपका आंसर जो आया है वो आया है 5 क्वेश्चन में, 2 रिमाइंडर बचा है आपको। तो ये रिमाइंडर है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सेकंड पार्ट ऑफ द डिवाइजर। जो आपका डिवाइजर है यानी 3, ये 2 उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, यानी जैसे हम कहते हैं 1/4, 2/4, तो ये क्या है, इसका दूसरा हिस्सा है। ये क्या है? दूसरा हिस्सा। 3 में से 2 हिस्से, 2/3 हिस्सा है। ये क्या है? 2/3। तो 2/3 को हम कैसे लिखते हैं? 2/3 उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? 2/3। 2/3 को हम कैसे लिखेंगे? 2/3। यानी जो हमारा टोटल हिस्से हैं, टोटल पार्ट्स हैं, वो कितने? 3। वो नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आएंगे। और कितने पार्ट्स हमारे पास रिमेनिंग रह गया है? वो हमारा आएगा नोमिनेटर, 2/3। अब जो ये क्वेश्चेंट है, क्वेश्चेंट कहाँ जाएगा? क्वेश्चेंट हमारा इसके साथ राइट पे आएगा। ठीक है, क्या आएगा? राइट पे। क्यों? क्योंकि ये हमारा आंसर है। अब हम इसको वापस इस सिचुएशन में कैसे लेके आए? ये जो हमारे पास था ये था 17/3। अब अगर हम चेक करेंगे हमने सही किया गलत किया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे 3 × 5 कितना हुआ? 15 प्लस 2 कितना हुआ? 17/3। ठीक है, इज इट क्लियर? हमने क्या करना है, जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर जो है वो हमारा डिवाइजर होगा, और क्वेश्चन हमारा राइट लेफ्ट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास ये कुछ पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे डिवाइड, सेम उसी तरह 26 / 5। हमने देखा 5 के टेबल में आता है 5 × 5 = 25, 1 हमारे पास रिमाइंडर बचा। तो ये 1 रिमाइंडर क्या है? ये है 1/5, और आपका क्वेश्चन क्या है? 5। तो मिक्स आंसर आपका इस तरह लिखा जाएगा, यानी रिमाइंडर आपका ऊपर, डिवाइजर नीचे, और क्वेश्चन साइड पे। 1/5 रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या है? उसका पार्ट है 1/5 और फिर 5 क्वेश्चन में। अब पार्ट बी में, पार्ट बी में ये सिर्फ कह रहा है जस्ट इसको फ्रैक्शन में लिखें, इस डिवीजन को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं और फिर देखते हैं कि अगर ये सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करें, नहीं हो रहा तो एज इट इज़ छोड़ दें। हमने देखा 18 / 10। ठीक है, अब देख रहे हैं ये डिवाइड होता है कि नहीं होता? होता है जी, बिल्कुल हो रहा है। किससे हो रहा है? 2 से। 2 9 2 5। तो हमारे पास क्या आया आंसर? 2/5। यहाँ देख लेते हैं 25 / 10। ठीक है, देखते हैं डिवाइड हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। किससे हो रहा है? 5 5 2 और 5 5। हमारे पास आया 5। ठीक है, समझ आ रही है? आपने जस्ट ऊपर वाले में आपने अपना मिक्स आंसर निकालना है, नीचे वाले में जस्ट आपने इसको फ्रैक्शन में लिख के अगर सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करें, नहीं हो रहा तो एज इट इज़ छोड़ दें। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज हमारा है पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है कॉमन फ्रैक्शन का। किस चीज़ का? कॉमन फ्रैक्शन या कंपैरिजन का हमारे पास है। कंपैरिजन में हमने देखा
कि कंपैरिजन किस हिसाब से होता है, कि कौन सा वैल्यू यानी कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है। इसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में 6 साइन यूज़ होते हैं, वो होते हैं ग्रेटर देन और लेस देन के। अब कुछ बच्चों को ग्रेटर देन और लेस देन में जो है वो कन्फ्यूजन होती है कि ग्रेटर देन का साइन कौन सा है, लेस देन का कौन सा है। तो उनके लिए सिंपल है, सिंपल मैं समझा देता हूँ कि आपने साइन में कन्फ्यूजन ना करें। आप सिर्फ ये देखें कि कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है, आपने बड़ी वैल्यू की तरफ इसका मुंह खोल देना है। क्या करना है, जो वैल्यू बड़ी है उसकी तरफ इसका मुंह खोल देना है, बाकी ग्रेटर देन लेस देन का साइन वो खुद ही बन जाएगा, इसमें कोई शको शुबा नहीं रहेगा। ठीक है, अब कंपैरिजन के लिए हमारे पास दो रूल मौजूद है फ्रैक्शन में। अब लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन के लिए दो रूल्स हैं। नंबर वन रूल है लाइक फ्रैक्शन के लिए, उसमें अगर फ्रैक्शन हमारे पास है लाइक यानी लाइक फ्रैक्शन मौजूद है दोनों, तो इसमें हम ग्रेटर देन लेस देन कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो हमारा सेम है क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, तो फिर हम देखेंगे नोमिनेटर को। नोमिनेटर में हम ये देखेंगे कौन सा नोमिनेटर बड़ा है। नोमिनेटर हमें देखा कि इसमें 3 बड़ा है, तो हम इसके मुँह को 3 की तरफ खोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अनलाइक की तरफ। अनलाइक में हम क्या देखेंगे, अनलाइक में हमारा डिनोमिनेटर तो सेम होने से रहा, अगर सेम हो जाएगा तो वो लाइक नहीं हो जाएगा। ठीक है, अनलाइक है यानी डिनोमिनेटर तो सेम होगा नहीं, शर्त ये होगी कि हमारा नोमिनेटर सेम होना चाहिए। अगर नोमिनेटर सेम है तो आप ग्रेटर देन लेस देन का साइन बआसानी लगा सकते हैं बिना सॉल्व किए। अगर तो सेम नहीं है नोमिनेटर, तो आपने फिर उसको सॉल्व करके निकालना होगा। ठीक है, फिलहाल हमारे पास जो है वो नोमिनेटर सेम है तमाम क्वेश्चंस में। डिनोमिनेटर हम देखेंगे अब, जब अनलाइक में हमारे पास नोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर के देखेंगे। इसमें एक छोटा सा फ़र्क है, हम वहाँ देखते थे कि कौन सी जो डिजिट है वो बड़ा है उसकी तरफ हम उसका मुंह करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा डिजिट छोटा है। जो नोमिनेट जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली तो हम डिनोमिनेटर देख लेते हैं, इन दोनों में से डिनोमिनेटर छोटा किसका है, इसका 3 है, तो ये वैल्यू हमारी बड़ी है, इसकी तरफ हम इसका मुंह खोल देंगे। सिंपल है, सिंपल। अनलाइक में आपने डिनोमिनेटर को देखना है और उसमें जो छोटा डिनोमिनेटर है उसकी तरफ इसका मुंह खोलना है। लाइक में आपने जो बड़ा नोमिनेटर है उसकी तरफ आपने इसका मुंह खोलना है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज पेज में मौजूद है, पेज नंबर 35 पे। हम देख भी लेते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। पार्ट ए, 8/9 4/9 डिनोमिनेटर हमारा सेम है यानी ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में हमें पता है, हम फिर देखते हैं कि कौन सा नोमिनेटर बड़ा है, इन दोनों में नोमिनेटर बड़ा है इसका, ये है 8, तो इसकी तरफ हमने इसका मुंह खोल दिया। ठीक है, अब हम एक अनलाइक का, अच्छा एक चीज़ इसमें यहाँ ये देखें, ये अनलाइक फ्रैक्शन दी हुई आपको और गलती से उन्होंने इसका जो है वो नोमिनेटर भी डिफरेंट कर दिया, तो इस नोमिनेटर में से आप 10 हटा देंगे, ये आपके पास नोमिनेटर सेम होगा 10/10। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं, चले हम यही कर लेते हैं, 10/10 ऊपर हमारे पास सेम है, नीचे हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में हमने देखा था कि हम छोटी वैल्यू की तरफ इसका मुंह खोलते हैं, तो 100 और 150 में छोटा कौन सा है, 100 है, तो हम छोटी की तरफ इसका मुंह खोल देंगे, हमारे पास ये सॉल्व हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करवा दी, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का लेक्चर कम्प्लीट हुआ, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।